हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं, जिनको आप प्यार कर रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी इस वक्त क्या एनर्जी है, वो किस एनर्जी में है, और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी या फिर उनकी एनर्जी हो सकती है, काइंडली मैच कर लेना आप, ठीक है? मतलब राशि हो सकती है आपकी या फिर उनकी। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी है यहाँ पे। साइलेंस का कार्ड है, तो ये उन लोगों की हो सकती है जिनकी बहुत तेज लड़ाई झगड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, और आप दोनों का इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं फिर इस इंसान के पास कभी वापस ना जाऊं, क्योंकि ये हमेशा मुझे अनदेखा कर रहा है, या फिर ये पर्सन मुझे मेरी कदर नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके अंदर एक गुस्सा मुझे दिख रहा है, या फिर आपके अंदर एक मुझे दुख दिख रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर बहुत चुप है, साइलेंट है, वो आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो लाइफ में। वो बहुत साइलेंट हो चुके हैं, बहुत चुपचाप हो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी आपको वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम या फिर इश्यूज हुए हैं, उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है चीज़ों को डिस्कस करने का, या फिर एक दूसरे से बात करने का। क्योंकि अब अगर इस वक्त हम लोग कोशिश करें एक दूसरे से बात करने का, तो हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे को ना समझ पाए। पहले हम ज़्यादा एक दूसरे को समझते थे, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो चुकी है, फिर चीज़ें ऐसी हो चुकी है कि हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो तुम बोल रहे हो, तो इस सिचुएशन में वो चुप है। वो आपको चुप होके भी रोज़ स्टॉक करते हैं, रोज़ देखते हैं, चुप चुप के आपको सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि आपको देखना। वो आपके आपके सामने नज़र भी नहीं मिला सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके बहुत शर्म आ रही है। उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी फील हो रही है कि वो आपके सामने नज़र नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जहाँ पे चीज़ें ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ही, मैं बोल सकती हूँ कि उनको शर्म आ रही है कि मैं शायद तुमसे नज़र नहीं मिला पाऊँ, तो वो आंखें बंद कर रहे हैं। आपको देख के भी वो चुप है, बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको देख के भी वो बिल्कुल चुपचाप अपनी लाइफ में है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको केयर नहीं है। मतलब ये कि आपसे बात अगर नहीं भी होता है तो भी ओके है, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि उनको बुरा लगता है, और उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? और आप एक चीज़ इतना ज़रूर गांठ बांध के ध्यान में रख लो, ये इंसान जितना दिखाते हैं केयरलेसनेस, उनके दिमाग में एक्चुअली उतना नहीं है। वो आपकी हर एक मोमेंट को देखते हैं, आपकी हर एक मोमेंट को वो कैच करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। और जब भी वो एक होती है ना कि कुछ लोग जानबूझ के चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत सीरियस हो जाऊं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाऊंगा, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाऊंगी। तो इस वजह से आपके पार्टनर ज़्यादा हर एक चीज़ को देखते नहीं है, या फिर हर एक चीज़ को ज़्यादा दिमाग में लेते नहीं हैं। वो कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को बहुत हल्के में रखें, अदरवाइज़ वो बहुत परेशान हो जाएंगे अगर ये सब चीज़ें सोचेंगे। आपके बिना उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं तो अधूरी है, एंड वो चीज़ वो देख चुके हैं कि कैसे आप उनको दूसरी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया करते थे, या फिर आप जब भी उनको बोला करते थे कि इनसे बात मत करो, यहाँ पे मत जाओ, तो डेफिनेटली एक रीज़न होता था सब एक काम के लिए। तो आप हमेशा ही जो है इस पर्सन के आपने भला चाहा है, वो उस वक्त नहीं समझ पा रहे थे, कहीं ना कहीं अब समझने लगे हैं, कहीं ना कहीं अब उनके दिमाग में चीज़ें आने लगी है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये पर्सन जो है वो आपको लेके अच्छा सोचने लगे हैं, या फिर ऐसा सोचने लगे हैं कि आप जो भी उनके लिए करते थे, जो भी चीज़ के लिए वो इरिटेट होते थे, एक्चुअली आप उनके लिए अच्छा करते थे। आप जैसा शायद उनकी लाइफ में कोई और नहीं हो सकता है। वो हमेशा ये सोच रहे हैं इस वक्त कि शायद वो आपके लायक नहीं है,
हमेशा आपने ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो वो कंपेयर करते हैं उन्होंने कितना किया और आपने इन्वेस्ट कितना किया, और उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या फिर शायद तुमने मुझे जितना प्यार किया था मैं तुमसे उतना प्यार नहीं कर पाया। वो बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी है, वो आपको चुपचाप देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, वो आपको कुछ बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ देख के ही रह जाते हैं। उनको बहुत मन होता है कि एक बार आके पूछ ले, या फिर उनको बहुत मन होता है कभी आपको कॉल वगैरह कर ले और आपको कुछ बातें पूछ ले कि कैसे क्या चीज़ें चल रही है, लेकिन उनको बहुत शर्म आती है, उनको बहुत बुरी लगती है चीज़ें। तो वो डेफिनेटली जो है आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें जानबूझ के आपको अवॉइड करते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ों का उत्तर ना देना पड़े, या फिर आपसे डायरेक्टली अगर बात करें तो कुछ चीज़ें आप उनको बोल ना दो, तो वो आपको अवॉइड, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोलेशन का कार्ड। ये पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है इन्होंने जिस तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया है किसी और ने इनके साथ वो चीज़ किया है और उनको बहुत बुरी लगी है चीज़ें, तो किसी भी चीज़ के लिए उनको दर्द और तकलीफ़ अपने जीवन में डेफिनेटली हो रही है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं जो बोल नहीं सकता है कि मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, उनको डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ों में तकलीफ़ हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ों में परेशानी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, वो अकेले हैं, वो अकेले हैं, चुपचाप है, बैठे हुए हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना कर्मा भी बैकफायर करे, तो वो जो भी डील कर रहे हैं वो उनके है जीवन में है उनको डील करना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ों के लिए रो रहे हैं, अपने लाइफ में तड़प रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि धक्का देके जो है, जैसे सडनली धक्का देके उन्होंने ये रिलेशनशिप को ख़त्म किया है या फिर इस रिश्ते में एक ब्रेक लिया है, मतलब कोई ऐसे प्लान्ड नहीं था, अनप्लान्ड सिचुएशन काफ़ी मुझे यहाँ पे हुआ है, दिख रहा है। आपने कभी नहीं सोचा था कि इस बार लड़ाई झगड़ा इतना आगे जाएगा कि ऐसा हो जाएगा, फिर ये पर्सन मेरे साथ ऐसा करेंगे, तो आपने कभी ये नहीं सोचा था। तो डेफिनेटली एक जो भी चीज़ हुआ है यहाँ पे बहुत सडन एंड अनएक्सपेक्टेड हुआ है और आप अभी तक इसको यकीन नहीं कर पा रहे हो, आपको अभी भी फील हो रहा है कि हमारा रिश्ता कल चलेगा, फिर से शुरू होगा। ठीक है, ये अच्छा भी है सोचना, क्योंकि नेगेटिव नहीं सोचना है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में जो हुआ वो इतना सडन हुआ, शायद किसी ने मेरा कान भर दिया, एक पछतावा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि पछताते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोच के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सही भी नहीं कर पा रहे हैं, इसी चीज़ के लिए मुझे कुछ कुछ चीज़ों में ये पर्सन में भी पछताते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। व्हाट इज मोर, नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है द पोस्टपोनमेंट, ये आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, टर्निंग इन एंड टोटैलिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई ऐसा इंसान है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो कोई ना कोई डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से ही यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे आप दोनों को परेशान ना करता तो शायद जो है आप दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपकी साइड से कोई हो सकता है जिसने आग लगाने की कोशिश किया हो। इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है जो हुआ हुआ, हम देखेंगे आगे क्या होगा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारी नेगेटिविटी, काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज है, खुद को बचाने की कोशिश करो उन नेगेटिविटी से। ठीक है, जो भी आप सोचोगे ना वो नेगेटिव एनर्जी उसको यूं कैच करेगी। ठीक है, आप जहाँ पे हो वो एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज कर दो, कहीं पे खुले में जाओ, थोड़ा घूमो, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट पे हो वो ज़्यादा और आपको नेगेटिव कर रही है, ज़्यादा आपको और परेशानी दे रही है, आपको और ज़्यादा टेंशन दे रही है। ठीक है, देखते हैं और कुछ कार्ड्स। और आपके पर्सन की क्या एनर्जी से आपको लेके, अभी तक अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो काइंडली आप इस रीडिंग को जरूर लाइक कर दीजिए। फर्स्ट आई कैन सी मैरिज और दिस कुड बी द वन। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को स्लोली स्लोली समझ आने लगा है कि अगर आपके साथ शादी किया जाए या फिर आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए सोचा जाए
तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। आपसे दूर होना है, फिर आपको भूल जाना, ये डिसीजन उनके द्वारा जो है वो सही नहीं था। वो आपसे या तो शादी करना चाहते हैं, या तो वो फील कर रहे हैं कि आप ही परफेक्ट हो, ठीक है, आपके अलावा उनको कोई और नहीं चाहिए, या फिर आपके अलावा वो किसी और को इस जगह पे नहीं देख सकते हैं। वो आपको ही एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हैं। अगर आप दोनों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, अगर आप दोनों शादी नहीं कर सकते हो, तो भी वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तरीके से मैं तुम्हारे साथ लाइफ में बहुत कनेक्टेड रहूँ, बहुत जुड़ा हुआ रहूँ, और तुम भी मेरे लाइफ में मेरे साथ बहुत कनेक्टेड, बहुत जुड़ा हुआ रहो। किसी भी कीमत पे वो मुझे आपको भूलते हुए या फिर आपका हाथ छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आपकी शादी या फिर इनकी शादी कहीं और भी हो गई है, तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपका हाथ पकड़ के रखे। ये थोड़ा टॉक्सिक है। शादी नहीं करनी है तो नहीं करोगे, लेकिन किसी और से शादी होने के बाद हाथ पकड़ना, दैट इज टॉक्सिक। लेकिन वो कहीं और से शादी होके भी नॉट सेटिस्फाइड, वो आपको ही पाना चाहते हैं, आपका ही हाथ पकड़ना चाहते हैं, वो आपका हाथ छोड़ना नहीं चाहते, वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। एक गलती हो गई, एक भय में या फिर एक नेगेटिविटी में, सडनली किसी की बात में आके, जो भी, वट एवर जो भी हुआ, उन्होंने वो चीज़ कर लिया। लेकिन हो क्या रहा है आपको पता है? हो ये रहा है कि अभी वो बहुत रिग्रेट में है, अभी वो आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, वो आपका साथ एक्चुअली नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, ऑटोमेटिकली ही ये कार्ड आ गया, सेपरेशन का कार्ड। ये जो आप दोनों सेपरेट हुए हो ना, अब वो दिल से इस सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। वो कहीं ना कहीं इस सेपरेशन से उनको भी डर लगता है, ठीक है। ये नाम सुनते ही उनको डर लगता है, वो यकीन ही नहीं करते हैं कि हम दोनों सेपरेट हो गए हैं। अभी भी उनके मन में एक इच्छा है कि हम दोनों मिल सकते हैं, हम दोनों जहाँ पे मिला करते थे वहाँ पे मिल सकते हैं, बैठ के कहीं बात कर सकते हैं। तुम एक दिन मुझको पहले की तरह कॉल मैसेज करोगे, पहले की तरह जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है मुझे बोलोगे। मैं जैसे गुस्से में तुमको, प्यार में तुमको बोलता था, मनाता था, मनाती थी, जो भी हम दोनों के बीच में हो रहा था वो होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि उनको उम्मीद तो है, उनकी उम्मीद भी ख़त्म नहीं हुई है, और इस सेपरेशन से मुझे वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि लाइफ में आप अगर सेपरेट हो जाते हो, तो मतलब आप अलग ही हो जाते हो। यहाँ पे एक इंसान आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे हाथ पकड़ चुका है, और यहाँ तो हग किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस सेपरेशन की सिचुएशन को ख़त्म करके कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ बिताने का एक उन्होंने एक थॉट उन्होंने सोचा है। नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी, द ट्रू लव आई एम सीइंग हियर एंड हिडन। उनका जो प्यार है वो हिडन ही रह रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है वो उस कंडीशन में, या फिर आपका रिलेशनशिप वो कंडीशन में नहीं है कि वो आपको आके बताएं कि उनको आपसे कितना प्यार है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रिलैक्स एंड लेट गो दिख रहा है, जैसे उनको है एक चलो छोड़ो जाने दो, पता नहीं अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं, अब मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, तो वो रिलैक्स है, चुपचाप है, आपको लेट गो जाने देना, इस तरीके से गोइंग विद द फ्लो के साथ, चलो तुम जाने दो, अपनी लाइफ में खुश रहो, ये सोच रहे हैं। क्योंकि उनको सर्टर्निटी नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि आप क्या चाहते हो, या फिर उनको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, जो एक बार हुआ है वो दूसरी बार ना हो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये हिडन है उनकी, जो दिख रहा है रिलैक्स एंड लेट गो, आपको ऐसा दिख रहा है कि वो चुपचाप बैठा हुआ है अपने लाइफ में, चिल कर रहा है, और मुझको लेट गो वो इंसान कर रहा है, जाने दे रहा है। बट सच तो ये है कि ये इंसान जो है वो आपको प्यार करते हैं, उनको ट्रू लव है आपसे। वो बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जीज है, अपने अंदर ही दुख रहता है उनको, अपने अंदर ही तकलीफ रहता है, वो इस चीज़ को किसी को बताते नहीं है, बोलते नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी, चुपचाप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है उनकी, और उनका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं छुप रहा है, ठीक है। अब दोनों की लव की जर्नी तो है, दोनों आप एक दूसरे ट्रू लव तो करते हो, लेकिन एक होती है ना कि अप चीज़ें नहीं हो पाएगा, फ्यूचर का सोच सोच के खुद में ही बहुत नेगेटिविटी पाल के रखते हो, जो कि अल्टीमेटली अच्छा नहीं है, ठीक है। व्हाट इज मोर, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हो तो, ठीक है। आप इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हो, ठीक है, आप वर्क ऑन योर कनेक्शन। शायद आप उनको यही बोलना चाहते हो कि तुम भी इस कनेक्शन के ऊपर काम करो, मैं भी इस कनेक्शन के ऊपर काम करती हूँ, या फिर काम करता हूँ, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों अगर इस रिश्ते को चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों इस रिश्ते के ऊपर काम करें। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रही है नथिंग टू वरी अबाउट। आई थिंक आप थोड़ी चिल एनर्जी में भी आ गए हो, पहले की तरह आप परेशान नहीं होते हो, आप ऐसा
एक्सेप्ट करने लगे हो कि अगर मेरी किस्मत में है तो इवेंचुअली ये रिश्ता, ये इंसान मेरे लाइफ में आ जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ बेटर मिलेगा, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये वापस आ जाए, लेकिन आप ये भी चीज़ सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में जो अच्छा है भगवान मुझे वही दे। आपकी एनर्जीज में काफ़ी ट्रांजिशन मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में स्टकनेस मुझे दिख रही है, जहाँ पे थे वहाँ पे ही रुक गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना बहुत थक चुके हो, यू आर वेरी टायर्ड ऑफ। आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना भी इसके साथ अच्छा करूँ ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी भी आ चुकी है, थोड़ा बहुत आप नेगेटिव भी सोचने लगे हो इस इंसान को लेकर, बट आपके अंदर की प्यार कम नहीं हुआ है, आप बस एक्सेप्ट करने लगे हो सिचुएशन को, ठीक है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप से कुछ लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, वो कुछ कुछ चीज़ों में हील हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों एक हो जाओगे, क्योंकि दो टूटे हुए दिल जो है वो ऐसे ही नहीं जुड़ता है, उसको भगवान जोड़ते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों अगेन एक हो जाओगे, लेकिन उससे पहले दोनों को ही लाइक आपको थोड़ा एनर्जी डाउन, चिल एनर्जी जो आपके अंदर आना था वो आ चुकी है। आपके पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको निकालनी है, उनको दिल को हील करना है, ताकि आप दोनों जो है फिर से वापस आ सको। यू नो ऐसे खुद को हील करना है कि ताकि वो दोबारा आपका दिल ना दुखाए, ठीक है। वो इस तरीके से बदलाव उनके अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसान ना अकड़ू ना बने, गुस्से वाला ना बने, ये इंसान ऐसे इंसान बने कि जो केयर दिखाता है, वो चेंज उनके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और भगवान वही चाहते हैं, उनके अंदर वही चेंज आए कि वो केयर करने लगे, आपको प्यार करने लगे, आपके बिन बोले आपकी बातें समझने लगे, वो समझने लगे कि आपको किस बात से खुशी होती है और किस बात से तकलीफ होती है, आपके साथ मंदिर मंदिर भी जाए, फिल्म देखने भी जाए। यू नो एक होती है ना कि आपके बिना बोले ही आपके साथ चलना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली उनके अंदर ये बदलाव तो आ रहा है। देखना सिर्फ इतना बाकी रह गया कि कब तक ये चीज़ 100% दिखती है। देखते हैं आपकी पर्सन की लव एनर्जीज यहाँ पे क्या है। सबसे पहले उनकी तरफ से मैसेज है, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तुम मेरा हार्ट हो, तुम मेरा सोल हो, और मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए प्यार करूंगा, या फिर हमेशा हमेशा के लिए प्यार करूंगी। ग्रेविटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉलिंग इन लव, मतलब प्यार तो दिल से होता है, ग्रेविटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इंसान से प्यार होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, आई विश आई कुड पैक यू, मतलब हमेशा वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहना, हमेशा वो आपके साथ कहीं ना कहीं जो है टाइम स्पेंड करना, आपकी ही बातें सुनते रहना है, फिर आपके साथ जो मज़े करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, आई कैरी योर हार्ट इन साइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई ऑलवेज लव यू, बिलोंग्स टू यू। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों जो है सोलमेट कनेक्शन में रहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ यू नो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम नहीं, आप लोग सोलमेट हो, और इस सोलमेट कनेक्शन को कहीं ना कहीं आप दोनों आगे बढ़ा के लेके जाओगे, दोनों के अंदर ये फीलिंग्स है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। जय भोलेनाथ।